मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सहपुरा विकासखंड के अंतर्गत एक पिपरिया माल पंचायत है जिसके पोषक ग्राम कौआ झरमाल है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एक ही स्थान पर संचालित हैं। यहाँ पर कुल बालक बालिका 277 हैं जिन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मिलने वाली सुविधाओं से बच्चे वंचित हैं। यहाँ पर सरासर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जिसमें माध्यमिक शाला और आंगनवाड़ी में शौचालय नहीं है, प्राथमिक शाला में है परंतु 3 वर्ष से अपूर्व पड़ा है। यहाँ पर हैंडपंप है परंतु हैंडपंप में पानी नहीं आता है जिससे बच्चे रसोई लोग पानी लेकर आते हैं उससे पीते हैं और पूरा नहीं होता है तो कुआं में पानी पीने के लिए जाते हैं। जी ये यहाँ कि जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे पहली तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वाल की कमी है, शैक्षणिक व्यवस्था खेल कूद की सामग्री इत्यादि नहीं है। शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप, शौचालय नहीं है तो? शौच के लिए पास में नाला है वहाँ जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। यह समस्या कौशकी की ही नहीं बल्कि स्कूल के सभी बालक बालिकाओं की है जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक स्कूलों में अनिवार्य है बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, पुस्तकालय, खेल सामग्री एवं खेल मैदान, बॉल बाउंड्री आदि, परंतु माध्यमिक शाला में कानून का उल्लंघन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अतिशीघ्र जाँच की जावे और यहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावे। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कृपया खंड शिक्षा अधिकारी के इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाएं। नंबर है 8349 83 12 43। मैं सरोज परस्ते, ग्राम कौआ झरमाल, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।